हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में ग्रो मोर विद एपी। तो आज हम ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ में कुछ मज़ेदार बातें सीखने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में, जो कुछ लोगों के लिए ज़रूर खास नहीं होगी क्योंकि वो ऑप्शंस में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे। तो वो बोलते होंगे ये चीज़ें तो कॉमन है, हम सबको पता होती, पर ज़रूरी नहीं जो चीज़ कॉमन हो वो सबको पता हो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जैसे कुछ की एलिमेंट या कुछ फैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होते हैं, जैसे डेल्टा, टीटा, गामा, वेगा, रो, अंडरलाइन असेट क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या होता है और ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ऑप्शंस क्या होते हैं ये तो मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो में जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था उसमें समझा चुका हूँ, पर जो मैंने बाकी की बातें जो आपको बोली है वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। तो उसके सबसे पहले हम समझते हैं अंडरलाइन असेट क्या होता है। तो अंडरलाइन असेट जो हम बोलते हैं ना, जैसे निफ्टी का हम 18,400 का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी अंडरलाइन असेट है निफ्टी इंडेक्स। अगर आप रिलायंस का कोई ऑप्शन खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि आपने रिलायंस का अभी जो प्राइस चल रहा है 2614 रुपये, तो आपने ये तो एक्चुअल शेयर है जो ट्रेड हो रहा है, तो इसका आपने जो 2600 का ऑप्शन लिया होगा, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी आपने लिया होगा, तो उसकी तो उसकी जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन क्या है, रिलायंस। तो रिलायंस का जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से इंपैक्ट होगा, तो वो होगा उसके ऑप्शंस पे, तो अंडरलाइन क्या होगी, रिलायंस। निफ्टी का जो कॉल है उसके अंडरलाइन असेट क्या होगी, निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, तो उसके अंडरलाइन क्या होगी, बैंक निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी का इंडेक्स। तो आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आएगा कि अंडरलाइन असेट किसे कहते हैं, जिसकी वजह से जिस ऑप्शन में चेंजेस हो रहे हो, जैसे निफ्टी की वजह से निफ्टी ऑप्शन में चेंज हो रहा है, कॉल या पुट ऑप्शन जिसमें रिलायंस है, या रिलायंस के बदले कोई भी इंफोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, जो भी आपका शेयर्स होगा या उसके ऑप्शंस में इंपैक्ट हो रहा है, तो वो आप समझ जाएंगे अंडरलाइन असेट क्या है, इसकी वजह से आपका ऑप्शन इंपैक्ट हो रहा है। अब सेकंड जो बात आती है एक्सपायरी डेट। अब मेनली बैंक निफ्टी और निफ्टी के केस में मंथली एक्सपायरी भी होती है, वीकली एक्सपायरी भी होती है। तो अभी जो वीकली एक्सपायरी होती है, जैसे आज की जो मैं बताता हूँ आपको वीकली एक्सपायरी इस केस में क्या होगी, इस वीक में जो 17 नवंबर वीकली एक्सपायरी। अब यहाँ पे आप कहाँ को पता चलेगा कि ये 17 को एक्सपायर होने वाला, तो यहाँ पे एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 17 नवंबर 2022। अब वीकली ऑप्शन में आप कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन वीकली है, तो वीकली के केस में जैसे आप यहाँ पे देखिए कि निफ्टी नवंबर, अब यहाँ पे देखो ये वीकली है, वीकली नहीं ये मंथली वाला है, और इसकी एक्सपायरी है 24 नवंबर को, यानी उस इस वीक के 24 तारीख को, जैसे आप 1 तारीख को अगला गुरुवार आ रहा, तो इस मंथ का लास्ट गुरुवार कौन सा है, 24 तारीख का। तो ये मंथली एक्सपायरी, ये साल में एक, मतलब मंथ में एक बार एक्सपायर होता है, और वीकली ऑप्शन वीकली एक्सपायर होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। अब थर्ड जो बात हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइजेस क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं, निफ्टी के केस में कॉन्ट्रैक्ट की साइज है 50, मतलब एक लोड साइज, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइज बोलते हैं, लोड साइज बोलते हैं। तो निफ्टी के केस में पहले 75 होती थी, अब 50 है। अब बैंक निफ्टी के केस में अब 25 है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन कहाँ, हाँ बैंक निफ्टी इसके केस में 25 लोड साइज है। तो ये लोड साइजेस होती हैं, निफ्टी में 50 और बैंक निफ्टी के केस में 25, तो ये लोड साइज हुए या कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब जो हम बात करने वाले हैं जैसे ऑप्शंस, ऑप्शन में भी दो तरह के स्टाइल के ऑप्शन होते हैं, जैसे ये बुकिश नॉलेज है, पर आपको जनरली आप जिस चीज़ को ट्रेड कर रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कभी कोई बोल दे, कोई बड़ा हाइप आइटम बोले आपको कि यूरोपियन ऑप्शंस के अमेरिकन ऑप्शंस, तो यूरोपियन ऑप्शंस वो ऑप्शन होते हैं जो एक्सपायरी डेट को ही सेटल होते हैं, तो उन्हें यूरोपियन ऑप्शन कहा जाता है। और अमेरिकन ऑप्शन वो होते हैं जो किसी भी डेट को मतलब एक्सरसाइज हो जाते हैं, वो जनरली अमेरिकन ऑप्शन होते हैं। तो ये बुकिश नॉलेज है, इसको अलग साइड बाय रखते हैं, इसको कोई अपना ट्रेडिंग पर्पज से कुछ रखना नहीं है। हम मेन आते हैं डेल्टा, टीटा, गामा, वेगा, रो। तो वैसे तो इसका भी कोई वहाँ पे अपन जब ट्रेडिंग करते हैं कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, इन चीज़ों को हम साइड बाई कर देते हैं और हम अपने पैटर्न पे ही काम करते हैं। लेकिन हमें ऐसे ऑप्शन ट्रेडर उन चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि जो चीज़ें इसको इम्पैक्ट कर रही है उसका क्या इम्पैक्ट है, वो ऑप्शन पे क्या असर हो रहा है। तो हमें ज्ञान पूरा होना चाहिए, कुछ चीज़ की हमें समझ पूरी हो, भले ही करना हमें अपने स्टाइल से ही हो। तो अब मैं आपको पहले समझाता हूँ, जो सबसे पहला जो अपना एलिमेंट है वो डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा यानी मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन अंडरलाइन। ये तो इंग्लिश बुक किताब लिखी हुई कि अंडरलाइन में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से आपके ऑप्शन में क्या चेंज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं डेल्टा। अपनी साधारण भाषा में कि आपकी जो अंडरलाइन है, मान लें निफ्टी, निफ्टी में जो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से आपके ऑप्शन में क्या चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं डेल्टा। इतना सिंपल है। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में बोलें पढ़ेंगे तो मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन असेट,
इज कॉल्ड डेल्टा। अब बेचारा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का है वो तो वहीं फेल वहीं ढेर हो जाएगा, पता नहीं क्या बोलते हैं। सेकंड थिंग जो होती है टीटा, जिसे मेनली जो आपने जो मेनली जो वेबिनार या टेक्निकल सेशन अटेंड करेंगे तो वहाँ मेजरली जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो टीटा डीके का बहुत फ़ायदा लेते हैं। मतलब टीटा मतलब ये ऐसा एलिमेंट है टीटा जिसे बोलते हैं टीटा यानी टाइम डीके। टीटा यानी टी मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है तो ऑप्शन सेलर को मज़े आते आते हैं। अगर मार्केट साइडवे है और उनका आपको मोमेंटम नहीं, ऑप्शन बायर का पर्पज़ क्या होता है कि मोमेंटम मिले, मोमेंटम मिलेगा तो अपना ऑप्शन का प्राइस 100 से 120 150 200 हो जाता है। लेकिन अगर वो मार्केट साइडवे रह गया यहीं कहीं तो ऑप्शन सेलर को बड़ा फायदा है। तो इस ऑप्शन टीटा, टीटा जो ग्रीक एलिमेंट है टीटा, इसका मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन टाइम, मतलब टाइम की वजह जो टाइम के ड्यूरेशन की वजह से जो चेंजेस होते हैं उसे टीटा कहा जाता है। आप समझिए कि आपने जो ऑप्शन सोमवार को ख़रीदा वो 100 रुपये का था, आपकी स्ट्राइक प्राइस थी 18,500 की, अगर वो उस दिन भी वो अचीव नहीं किया मार्केट ने 18,400 पे ही रह गया तो आपका जो ऑप्शन 100 रुपये का था वो हो जाएगा 80 रुपये या 70 रुपये। मान लो ट्यूसडे भी निकल गया, मंगलवार निकल गया, बुधवार आ गया, बुधवार के दिन भी मार्केट उसी लेवल पे रहा, मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपका जो 80 का ऑप्शन था वो शायद 40 पे रह जाए। अब बुधवार के बाद डायरेक्ट एक्सपायरी आ गई, अगर एक्सपायरी का ही कॉन्ट्रैक्ट है आपका तो या तो मार्केट उस 18,500 को क्रॉस करेगा तो आपको मोमेंटम मिलेगा, वरना आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था 40 रुपये का वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये होता टीटा। टीटा यानी क्या होता है, टाइम डीके। जैसे जैसे आपका ऑप्शन एक्सपायरी के करीब आते जाता है आपका प्रीमियम होता है वो डीके होता है यानी कम होता जाता है धीरे धीरे, तो इसे टीटा डीके कहा जाता है। ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी मज़ेदार एलिमेंट है जो उनको बहुत फ़ायदा देता है। अब हम अगले एलिमेंट की बात करते हैं जो ग्रीक एलिमेंट होता है वेगा। वेगा यानी मेजरमेंट ऑफ चेंज वोलेटिलिटी, ये भी एक बुकिश लैंग्वेज है। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, यानी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है उसे वेगा कहते हैं। यानी वेगा मतलब वोलेटिलिटी, मार्केट में अगर वोलेटिलिटी जाता है, वोलेटिलिटी मेनली कब और कैसे होती है, समझो एक तो इलेक्शन डे का रिजल्ट हुआ, या बजट किसी दिन हुआ, या आरबीआई की बहुत मेजर अनाउंसमेंट है, या इकोनॉमी में जैसे क्राइसिस वगैरह हो रहे, या कंपनी जैसे अंडरलाइन जो असेट हुई, मान लो अपना रिलायंस हो, रिलायंस का कोई मान लो तीन सीरीज से तीन क्वार्टर से तो बढ़िया प्रॉफिट आ रहा था उसको, और एक क्वार्टर में भयंकर मतलब मान लो उसके ऑपरेशन इम्पैक्ट हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में इतना चेंजेस आया कि उसके बिजनेस ऑपरेशन खराब हो चुके हैं, या उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ, उसको लॉस होने लग गया, तो वो मेजर इवेंट हो सकते हैं, उसमें मार्केट में उस शेयर्स में अंडरलाइन में वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, तो उसे वेगा कहा जाता है। अब मैंने आपको डेल्टा टीटा गामा, अब गामा, हाँ गामा का मतलब, हाँ गामा बताना भूल गया, जैसे मैंने आपको पहले डेल्टा पढ़ाया था, जैसे अंडरलाइन में जो चेंज होता है उसकी वजह से उसको डेल्टा कहते हैं। तो अब उस डेल्टा को जो मेजर करता है, जैसे कितनी बार चेंज हो रहा है मार्केट में अंडरलाइन जो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को भी मेजर करने के लिए भी उनने ग्रीक एलिमेंट बोल दिया जैसे गामा, कि जैसे अंडरलाइन को चेंज करने को उन्होंने क्या बोला कि डेल्टा, और डेल्टा को में जो चेंज होगा उसे क्या बोला कि उन्होंने गामा। इतना दिमाग नहीं लगाने का, आए समझ में, सिंपल अपने को समझो, अंडरलाइन में चेंज हो रहा है तो गामा, डेल्टा अंडरलाइन असेट में जो चेंज हुआ वो डेल्टा, और डेल्टा में जो चेंज हो रहा है वो गामा, और जो टाइम ड्यूरेशन का वो टीटा, और जो वोलेटिलिटी है वेगा। मतलब ये सिर्फ हमें समझ होनी चाहिए कि यार इस एलिमेंट से हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन है वो इम्पैक्ट होता है, तो हमें इन चीज़ों को जब ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते वक्त या कुछ सेलेक्ट करते वक्त हम सोच समझ के करें, तो इससे हमारा डिसीजन या जो हमारा पर्पस होता है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन बने। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हो हमें पता ही नहीं, सिर्फ हमने किसी ने लेवल दिया, हमने बाई किया, किसी ने लेवल दिया, हमने सेल कर दिया, ये समझ। एक और एलिमेंट होता है रो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, जैसे मैंने आप सबको पहले क्या पढ़ाया, अंडरलाइन असेट क्या होती है, फिर दूसरा आपको मैंने बताया एक्सपायरी डेट, फिर तीसरा बताया आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज, फिर मैंने बताया कि ये जो ऑप्शंस के एलिमेंट डेल्टा टीटा गामा वो बेकार रो, ये पढ़ा दी, फिर स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस तो आपको पता ही होगा, स्ट्राइक प्राइस मतलब जैसे मान लो जो भी ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट जैसे 18,400 या 18,350, 18,300 या 18,200, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस है। तो आपको जो सेलेक्ट करते हो, तो मैं एक और टॉपिक है इसके ऊपर जो निकलता है एटीएम, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, तो मैं आपको, ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इसी वीडियो को यहीं पे रेपअप करता हूँ, यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी के ऑप्शंस के ऊपर मैं बात करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और